अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमजान का चांद मुबारक, रमजान मुबारक आप सबको। ये एक बहुत 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 मुबारक महीना है। रमजान को उम्मत का महीना कहा जाता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस रमजान जितना हो सके एटलीस्ट हम अपने आप को एक टारगेट दे दें कि एटलीस्ट हमने पुराना रमजान जो पिछला साल गया है उसमें हमने जो इबादतें की है, जो अपनी लाइफ में तब्दीली लाई है, हम कोशिश करें कि ये साल हम उसे और बेहतर करें। और बेशक ये उम्मत का महीना है और शैतान को पिंजरे में लॉक कर दिया गया है हमारे लिए ताकि हम खूब 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 इबादत करें। और अब हम जो करते हैं रमजान में, खास तौर पे जो भी हो, चाहे हमारी जो हरकतें हैं, सोच है, फिर वो आपके नफ्स की होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ये चीज़ अगर हमें लगती है कि ये चीज़ हमें कोई अच्छी चीज़ करने से रोक रही है या ये आदत की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करें कि हम उस प्रॉब्लम को और उस आदत को रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, बस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उस चीज़ की बरकतें आपकी ज़िंदगी में रमज़ान के बाद भी रहे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमेशा के लिए रहे। रमज़ान की सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी क्या है? वो है आपका दिल साफ रखना। तो आप कोशिश करें कि आप अपने दिल से जो भी मैल है, जो भी किसी के लिए कुछ है, अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा, किसी के लिए कोई किसी से कुछ ना इत्तेफाकी है या कोई चीज़ है, तो हम कोशिश करें कि हम अपने दिल को साफ रख सकें। क्योंकि जब इंसान दिल को साफ रखता है ना, उसका बहुत बड़ा अजर मिलता है। उसे दुनिया में तो मिलता ही है कि वो लाइट वेट फील करता है, टेंशन फ्री, बट उसके लिए बहुत 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 बड़ा अजर है। एक हदीस मैं आपको सुनाती हूँ, छोटी सी एक कहानी है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब वो अपने सहाबाओं के साथ बैठे थे और एक शख्स अंदर गुजरे तो उन्होंने कहा कि ये जन्नती है। दूसरे दिन जब वापस वो शख्स उस दरवाजे से अंदर घुसा तो वापस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जन्नती है। तीसरे दिन भी जब वो गुजरा तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं से कहा कि ये जन्नती है। तो उसमें से एक सहाबा ये सोचने लगे कि हुज़ूर पाक अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा कि जन्नती है तो ये ऐसे क्या करता होगा। मैं तो पूरी रात हम इबादत करते हैं, जो इबादतगार होता है वो सोचता है, उनका कॉम्पिटिशन इबादतगार वालों से ही होता है और ऐसे ही होता है कि हम अपना अमल और बेहतर कैसे करें। तो ये क्या करते, तो उनके दिमाग में एक चीज आई कि मैं काम करता हूँ कि मैं उनके यहाँ जाके रह जाता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि ऐसी कौन सी इबादत कर रहे हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही उन्हें बशारत दे दी कि वो जन्नती है। तो वो एक दिन उनके घर पहुंचे, उन्होंने कोई स्टोरी बना ली कि मेरे अबू ने मुझे घर से कुछ निकाल दिया या ऐसी कोई चीज़ है और क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, जो भी उन्होंने बहाना बनाया उनका पेशा। तो वो फिर उनके साथ रह ले, आज मैं देखूंगा शायद पूरी रात सोते नहीं होंगे, बहुत इबादत करते होंगे। और वो रात को बस ऐसे लेट गए जो सहाबा थे और वो देख रहे कि शायद अभी कुछ करेंगे, अभी कुछ करेंगे। उन्होंने देखा क्या कि बस उन्होंने पेशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद अपने बिस्तर पे लेट गए और अल्लाह वापस में काबू तो वाह हो गए। तो वो सोचे शायद अब उठेंगे, तब उठेंगे, तब उठेंगे, नाते सुबह उठे, फिर वो अपने जैसे दिन की पांच रकात नमाज पढ़ते थे और बाकी सारे जो काम अपने करते थे। फिर उन्होंने सोचा शायद हो सकता है आज करें, क्योंकि कभी कभी किसी की एक दिन तो छूट जाती है। फिर उन्होंने देखा कि वो आए और सहाबा जो थे वो लेट के ऐसे चुपके से उन्हें देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये फिर से बिस्मिल्लाह ही करके सो गए, बिस्मिल्लाह ही अम्मतुल्लाह बरकतुल्लाह। और उसके बाद ये तो परेशान हो गए। फिर तीसरा दिन उन्होंने देखा, फिर वापस से तीसरे दिन ऐसे ही सो गए। तो फिर ये बोले पता नहीं क्या है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात कही है तो ये झूठ तो हो नहीं सकता। अब उन्होंने सोचा पता नहीं ऐसे क्या हाल होगा इनका जिसकी वजह से इन्हें जन्नत का वो दे दिया है कि अभी जन्नत ही है। उसके बाद जब ये तीसरे दिन जब वो घर से निकले, बोले अब तो ये कुछ नहीं करते, मैं निकल जाता हूँ। तो जब वो निकले तो उन्होंने उनको यही कहा कि आप ऐसे क्या अमाल करते हो, ऐसी कौन सी चीज़ करते हो जिसे जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि आप जन्नती हो। तो उन्होंने कहा कि आप इधर आइए मैं आपको बताता हूँ। और उन्होंने उनको ये बताया कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं अपना दिल हर किसी के लिए साफ करके सोता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कितनी बड़ी बात है सोचो, बहुत मुश्किल काम है, हमको नमाजी मिल जाएंगे, हमको रोज़दार मिल जाएंगे, हमको सखावत करने वाले मिल जाएंगे, हमें तहज्जुद गुजार मिल जाएंगे, बहुत सारे कुरान की तिलावत करने मिल जाएंगे, लेकिन अपना दिल लोगों के लिए साफ रखना और उनके लिए खैर सोचना या उन्हें माफ़ करके सो जाना ये बहुत मुश्किल से, कहते हैं ना लाखों में एक होता है, मुश्किल काम है।
जब साहबा ने ये उनसे सुना तो उन्होंने कहा कि वाकई ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये यू नो होता है ना, हम हमें कोई कुछ बोल देता है या हमसे कोई यू नो कोई कुछ कर देता है, या हमारे लिए हमने सुन लिया कि इस बंदे ने कुछ गिबत कर दी या कुछ ये कह दिया, तो हमारा दिल कैसे टूट जाता है, हम सोचते हैं कि यार क्यों यू नो, और आपके दिल में कुछ ना कुछ रह जाता है, जरूरी नहीं है कि वो कोई यू नो आपको रिवेंज लेना हो या कुछ, पर इंसान के दिल में रह जाता है इंसान की वो एक फितरत है, वो आ जाती है। लेकिन इंसान कब और ऊपर जाता है, जब इस फितरत को वो अपने नफ्स को इसके लिए मार कर देता है, उसे मारता है और कोशिश करता है कि वो लोगों को माफ करे। तो आप कोशिश करते हैं, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, चीजों की सफाई करते हैं, हम अपने कपड़े की सफाई करते हैं, अपने चेहरे की सफाई करते हैं, हर चीज को खूबसूरत बना के हर वक्त रखते हैं, हम कोशिश करें कि हम अपने दिल की भी सफाई करें। और दिल की सफाई शुरू होती है नमाजों से, और आप जितना नमाज पढ़ोगे, जितनी कुरान की तिलावत भी करोगे, इंशाल्लाह वो सारी चीजें आपके अंदर जब वो समाने लगती है, आप उसका मतलब समझने लगते हो, तो आपको बेशक यू नो वो डिफरेंस दिखता है। तो बस आप कोशिश करें कि रमजान में जो हमें करना है वो तो हम करें, और उसके साथ ही साथ अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करें, और जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा गुमान करें। कभी कभी हमें जब चीजें दिखती है ना, शायद हमारे आंखों के लगे ये ना ये बस ये दिखावा है या ये ऐसा, अगर आपको नजरों से भी अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको अगर गुमान करना है और उसके लिए अपनी सोच लगानी है तो कोशिश करें कि आप अच्छा ही गुमान करें, क्योंकि यू नेवर नो कि इंसान कोई अच्छी नीयत से कोई चीज कर रहा हो और आपने उस चीज को देखकर गलत गुमान कर दिया तो आपके खाते में बेफजूल एक यू नो गुनाह टिक कर दिया जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए एज ह्यूमन, एज गुड मुस्लिम्स, एज गुड ह्यूमन बीइंग, कि जब भी हम किसी को देखें हम ये ना सोचे कि कुछ गलत है। अगर हमें अंदाजा लगाने मिल रहा है तो हम बस अंदाजा अच्छी चीजों का ही लगाएं और पॉजिटिव चीजों का लगाएं, इससे हमारी सोच भी अच्छी रहती है, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, हमारे घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए और पूरी इंसानियत के लिए। तो बस हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके अच्छा रहे और खुश रहे, दिल साफ रखे और खूब मोहब्बत बांटे अपने घर में, अपने दोस्त यारों में और अपने आसपास रहने वालों में, जिन्हें हम यू नो इन जनरल देखते हैं। मुस्कुरा दे, मुस्कुराना तो सुन्नत है, तो मुस्कुरा दे और सबके लिए खैर की दुआ मांगे। बहुत 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 बरकतों वाला महीना। इमेजिन पिछले साल रमजान में मुझे अभी भी याद है, मैंने एक पोस्ट किया था सैनी पर, मैंने नीचे मैंने रोजे के दिन लिखा था कि या अल्लाह ये रमजान यू नो मेरी जिंदगी चेंज करने का रमजान बना दे, कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। और मैंने बहुत दिल से दुआ की थी कि मुझे बहुत सारी चीजों से यू नो छुटकर अपनी लाइफ को अल्लाह के लिए स्पेशली आगे रखनी है और सही चीजों पे जिंदगी जीनी। दुनिया तो इंसान कट ही जाती है, असल तो आखिरत है। और बहुत बहुत शिद्दत से दुआ मांगी थी पूरा महीना, और आज देखिए मतलब माशाल्लाह यू नो आई एम रियली हैप्पी, एंड अल्लाह मुझे इस्तकामत दे और सही रास्ते पे रखे और मुझे जरिया बनाए यू नो लोगों के लिए और मुझे एक एग्जाम्पल बनाए, कहते हैं ना इबरत की निशानी बनाए, आई होप मैं वो बन सकूँ। लेकिन क्या नहीं होता यू नो सच्चे दिल से नियत करने से, और उसको यू नो टफ होता है बट फॉलो करना पड़ता है। तो बस देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी कितनी बदल गई है। तो बस मैं यही कहूँगी कि रमज़ान बहुत सारी चीज़ें बदल सकता है, बस दिल से नियत हो और दिल से मेहनत हो। बस जज़ाकअल्लाह खैर एवरीवन, रमज़ान मुबारक।